हेलो बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने पैर से फिजी ज्ञान चैनल पे बहुत सारे बच्चे को डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं लेकिन क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए ऑथेंटिक बताऊंगा और कौन से ऑफिस में मिलेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो कहां से निकालना यही पता नहीं है और एंड टाइम पे काम करते तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों ये अभी से करो क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सीटी खत्म हो चुकी है मुझे पता है अट्ठारह तारीख तक है लेकिन मैक्सिमम बच्चों को हो चुकी है तो इसलिए मैं गाइडेंस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सा है चलिए देखते हैं बहुत डिटेल दे रहा हूं इतना डिटेल मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप लोगों को इतने मतलब अब बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है नहीं है जरूरत आज ना कल आपको काम जरूर आने वाली है देखो सबसे मैंने एडमिट कार्ड जेईई मेन और एमएससीटी 2024 सर जेईई का क्या करें तो, अब तो एमएससीटी का बता रहे बच्चों तो जेईई के थ्रू जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहां पे आप लोगों को याद रखना 15 परसेंटेज जगह होती है जैसे कि पीसीसीयू कॉलेज है महाराष्ट्र का अच्छा कॉलेज है वीआईटी कॉलेज इसमें 15% पंद्रह परसेंटेज के थ्रू आपको जगह भरी जाती है मतलब सीटी का भी स्कोर जो है आपको फिलअप करना है प्राउंड में और जेडब्ल्यू अगर सी से नहीं मिलता है तो कैप राउंड से मतलब जेडब्ल्यू के स्कोर कार्ड से भी मिल सकता है ध्यान रखना ठीक है स्कोर कार्ड जेई में एम एस टी का होना चाहिए ध्यान रखना एडमिट कार्ड क्यों होना चाहिए एडमिट कार्ड की प्रिंट निकालो बहुत सारे बच्चे घुमा देते हैं मुझे पता है जे और सी दोनों का भी जो एडमिट कार्ड है हॉल टिकट बोलते हैं आप लोग उसकी प्रिंट निकाल के रखना उसकी झेरोक्स निकाल के रखना है उसके बाद में आपको स्कोर कार्ड जो भी रिजल्ट आएगा तब अच्छे तरह से दोनों का संभाल के रखो प्रिंट आउट द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉल फिल ऑन द वेबसाइट जो वेबसाइट पे निकाली थी उसकी प्रिंट आउट निकाल के रखो अब बोलेंगे सर क्या जरूरत है अगर होगी तो नहीं होगी तो टेंशन मत लेना कुछ चीजें मैं आपको बहुत डिटेल दे रहा हूं इसलिए बाकी कुछ नहीं एज नेशनलिटी डोमासिल सर्टिफिकेट ये कहां से मिलता है नेशनलिटी कलेक्टर ऑफिस होता है तहसील ऑफिस होता है वहां से आप लोगों को डोमासिल सर्टिफिकेट मिलता है और एज सर्टिफिकेट मतलब एज के तो डायरेक्ट आप एलसी इस्तेमाल कर सकते हैं टी बोलते हैं एल बोलते हैं है ना एच है, और इक्वालेंट मार्कशीट जो भी होगी कुछ बच्चे एच एस सी नहीं करते कुछ ऑर्डर करते है, है ना तो वो बच्चे मैं तो जानता हूं कि मैक्सिमम एच एस सी मतलब क्लास ट्वेल्व की मार्कशीट अब आई नहीं है आने वाली है टेंशन मत लेना लेकिन आपको संभाल के रखनी है अच्छी तरह से एच एस सी और इक्वालेंट पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है सनद तो वो तो बाद में मिलने वाली है अभी मिलने वाली नहीं है एच एस सी लिविंग सर्टिफिकेट ये एल सी मिलेगी लेकिन आपको है ना एप्लीकेशन दे के रखना बच्चों एस एस सी मतलब क्लास टेन की जो मार्कशीट है

अच्छी तरह से इनकम सर्टिटिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है इससे आपको एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिलता है और इससे आप लोगों को जैसे कि आठ लाख के नीचे हो तो आप लोगों को बहुत सारी फीस माफ़ हो सकती है ई फॉर्म भर सकते बाद में ई बी पता होगा तो आपको है ना तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप माइग्रेट कर रहे हो एक यूनिवर्सिटी से अनदर यूनिवर्सिटी तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई डॉक्टर के पास जाना है है ना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो रखने दो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा आधार कार्ड बच्चों का स्टूडेंट पैन कार्ड अब पैन कार्ड कहां से मिलता कोई सीए गए कोई भी निकाल के देगा रखो पैन कार्ड रखो अब बोलेंगे नहीं है सर क्या करें तो कुछ नहीं है, कोई के साथ करो कोई भी आधार कार्ड कोई सेंटर पे जाओ आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद में वोटर आई अगर आप वोटर हो तो वोटर आई मिल जाती है आजकल स्मार्ट कार्ड मिल रहा है वोटर आई में स्टूडेंट बैंक पासबुक नेशनलिटी बैंक होनी चाहिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ यस बी आई का निकालो अगर अब एस बी आई आपके पास हो तो यस बी आई नहीं तो महाराष्ट्र बैंक भी है लेकिन यस बी आई का बेहतर रहेगा एज पर माई व्यू है ना पेरेंट्स आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके मामा पापा का जो भी है आपके पेरेंट्स उनके आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट करके रखो वो भी काम आने वाले राशन कार्ड होता है पूछ लेना घर पे राशन कार्ड बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है राशन कार्ड रहा तो चलेगा नहीं रहा तो भी चलता है लेकिन रहने दो बहुत काम आने वाला है आगे चल के आप अगर कहीं फॉरन में कहीं जा रहे हो तो सभी चीजें काम आने वाली है कॉपिया गैजेट मैरिज सर्टिफिकेट वो छोड़ दो आप ठीक है पासपोर्ट uh, कम से कम 20 पासपोर्ट निकाल के रखना मैं तो बोलता हूँ बीस नहीं पचास रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो एकदम अच्छी तरह से प्रोफेशनल पासपोर्ट निकाल के रखो क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए सेम अपलोड मेन और एम एस टी फॉर्म पे होता है है ना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अलग कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए नहीं है तो अभी जाओ चक्कर मारो भाई लेकिन करो नॉन क्रिमिनल एन बोलते इसको ये भी तैयार करके रखो और ये कब तक होना चाहिए यहां पे लिखा है इकतीस तीन दो हजार पच्चीस के लिए है और ये वीजे एन टी टू एंटी थ्री एस बी सी है ना ओ बी सी इंक्लूडिंग एस बी सी इनके लिए लगता है तो वो कोई भी हालत में आप लोगों को करके रखना है ठीक है इसके अलावा आप लोगों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जैसे कि कोई मुस्लिम हो जैन हो बुद्धिस्ट हो क्रिश्चियंस हो सिख हो पारसी हो ये सब जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है बच्चों सेल्फ एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट होता है रिपीटर ये कहाँ मिलता है तहसील में जाओ कलेक्टर ऑफिस में जाओ वहां पे आपकी फोटो निकालेंगे आपको गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा ठीक है तो उसके बाद में हम लोग डी वन डी टू ड्री थ्री एक्स सर्विस मैन के लिए है जो भी सर्टिफिकेट है उनको पापा को कांटेक्ट करो बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा सर्विस मैन का सर्टिफिकेट पापा चाहिए तो आपके पापा जरूर हेल्प करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है डोमासिल महाराष्ट्र सर्टिफिकेट डिफेंस पर्सन के लिए होता है वो निकालो डी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो निकाल के रखो पर पर्सन विद डिसबल पी अगर कोई हो वो निकालो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसील ऑफिसर अब ये एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी एग्री कर रहे एक नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होता है एक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होता है इससे आप लोगों को बारह परसेंटेज फायदा होता है ठीक है ये करके रखना प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट निकालना है आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है वो निकालना चाहिए और अभी से शुरुआत करो धीमे धीमे हर चीज निकालना है लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को बाद में बहुत बड़ी दिक्कत जाती है तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा अपने दोस्तों से शेयर करना लाइक करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिले बाय जय हिंद जय भारत